पानी दो, 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 नगर पालिका हाय 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 आक्रोश मोर्चा लेकर आए लोग, सब आए, मेरी माँ बहनें आई, मेरे भाई आए, हम लोग आए। हम लोग अपने घर में पानी भरने के लिए नहीं लेके आए, हवाम का दर्द है लोगों के लिए हम लोग आ रहे हैं, और अपने लोगों के लिए, मेरे भिवंडी कर जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मैं रहा हूँ, वहाँ के लिए आया हूँ मैं। मगर यहाँ पर जहाँ पहुँचे तो इनको तो सेंड ऑफ की पड़ी है, हमारे कमिश्नर साहब को, वो अंदर बिजी है, बोले डिप्टी कमिश्नर, मतलब मैं मिलूँगा नहीं, समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ मैं मिलूंगा नहीं डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर मिलेंगे मुझसे। मैं वहाँ बैठ गया, ज़मीन पे हम लोग बैठ गए, जैसा कि आमिर साहब वगैरह और दो तीन पत्रकार भाई मेरे थे वहाँ, देखे मैं ज़मीन पे बैठ गया। तब फिर वो निकले, मालाबाद साहब आपको शहर की इतनी पड़ी है कि सेंड ऑफ की ज़्यादा पड़ी हुई है, जो आज सेंड ऑफ पार्टी है हमारे नगर सेवकों की, उसकी ज़्यादा पड़ी है, और लोग पानी के लिए मर रहे हैं। गलत बोल रहा हूँ? आप लोग भी पत्रकार है, घूमते रहते हैं, पानी का मसला है कि नहीं है? स्टेम वाटर का पानी हमको नहीं मिलता, हमारे मुद्दे यही थे। आपके विधायक ने 100 एमएलटी पानी के लिए उन्होंने घोषणा की थी। 2013 में 100 एमएलटी पानी सैंक्शन हुआ था, वो किन्हीं कारणों से रुका हुआ था, हम लोगों ने, फिर बता रहा हूँ, हम लोग 100 एमएलटी की कोशिश कर रहे थे, 2 एमएलटी हम लेकर आए हैं। 2013 का है, आप प्रस्तावना देख सकते हैं, 2013 में 100 एमएलटी का हुआ था, वो रुका हुआ था, अब प्रोसेस हो रहा है, अभी तक भी पूरे वो स्ट्रक्चर में नहीं आया, और 2 एमएलडी का पानी आया, और हम लोग पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे। आज भी हमारे आमदार आने वाले थे, महाराज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ एक तरफ एमएलएस बिक रहे हैं, हमारे दोनों शेर वहीं भिवंड बॉम्बे में घूम रहे हैं, और वो एकदम साफ बोल दिए कि माइनॉरिटी का मुद्दा, 2.5 साल हो गया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे ये सरकार बनी थी, और एक भी माइनॉरिटी का मुद्दा नहीं लिया गया, 5% रिजर्वेशन ले लो, सच्चर कमेटी ले लो, किसी भी मसले को हल नहीं किया गया। हम लोग कल जनता के बीच में क्या देंगे जवाब? आश्वासन दिया कि हम लोग इस मसले को हल करेंगे, और अगर एक बात हम चेतावनी देके जा रहा हूँ, अगर इस मसले का हल नहीं हुआ तो हम लोग और इससे डबल मोर्चा, ट्रिपल मोर्चा। डेडलाइन दी उन्होंने कि 2 महीना 1 महीना 1 हफ्ता 10 दिन, उन्होंने बोला कि हम इसको स्टडी करके जल्द से जल्द इस पर रिव्यू करेंगे, डेडलाइन नहीं दी, मगर हमने डेडलाइन दी कि हम लोग रुकेंगे, 2 से 3 महीना रुकेंगे, इसको मसले को हल होना चाहिए। वो नई पाइपलाइन बोल रहे हैं 100 MLD वाली, हाँ ये भाई 115 MLD पानी शहर को आता है, जिसमें 70 MLD स्टेम से आता है, 42 MLD तांसा डैम से आता है, और 3 MLD पानी वराल देवी से आता है, वराल देवी जो लेक है उससे आता है, जो कि 70 MLD स्टेम वाटर रहता है, और बाकी सब रॉ वाटर रहता है। तो सुनिए ना, उसमें 70 MLD 115 में से 70 MLD पानी ज़रूरत है, 45-50 MLD पानी जाता कहाँ है? पानी माफियाओं को ये लोग घेरते क्यों नहीं? इनको जवाब देना पड़ेगा। और सुन लीजिए, मैंने कल एक प्रस्तावना जी, जो 23 उर्दू टीचर का ये लोगों ने तबादला किया है, पहले टीचर लाओ फिर बदली करो, यहाँ पे किस मामला है? इसमें भी करप्शन है, सारे करप्शन उजागर करूँगा इंशाल्लाह। और हमको सुन लीजिए, मैं इसकी कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ, मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, मेरे लोग के लिए लड़ूंगा। जिस तरह से बोल रहे पानी माफिया का, तो आपने कुछ कार्रवाई की है या कुछ कदम उठाया पानी माफिया? सुनिए ना, मैं ना एक सिपाही हूँ, मैं आंदोलन कर सकता हूँ, मैं लोगों से लड़ सकता हूँ, मैं पुलिस नहीं हूँ, और पुलिस को भी जब कॉरपोरेशन से यहाँ से आदेश मिलेगा तो करेंगे। मतलब ये तय है कि पानी चोरी हो रहा है? पानी 100%, आप समझिए 115 MLD आ रहा है, एक आदमी में 100 लीटर पकड़ोगे, 7 लाख आबादी को 70 MLD हो गया, 45-50 MLD जाता कहाँ है? अब जो हजारों की जो भीड़ आई है, उनको आप क्या जवाब देंगे आज? मैं जवाब दूंगा कि भाई हम लोग आए हैं इंशाल्लाह, उन्होंने कहा कि हम आपको मसले को जल्दी हल करेंगे, और ये डेमोक्रेसी है, हम लोग ऐसे ही मोर्चा लाएंगे, और हमारे लोग हैं वो हमेशा आएंगे। ठीक, ठीक, ठीक। और हम लोग राशन पे किया, आपको राशन पे रिजल्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम लोग करप्ट फ्री भिवंडी, हम लोग इंशाल्लाह करप्ट फ्री भिवंडी लाएंगे, सारे करप्शन खोलेंगे इंशाल्लाह, समझ लीजिएगा, बिकाऊ माल नहीं हम लोग। तैयार में थे, उनको सेंटर पार्टी के लिए जाना था, कुछ उनकी तैयारियां थी, मगर वो मिल नहीं रहे थे, तो हम लोग जमीन पे बैठ गए, बोले भाई हम लोग को पानी दे दो यार, मतलब पानी तो चाहिए ही, पानी तो नहीं, पानी चाहिए, हमारा हक है, छोड़ेंगे नहीं हम। और उनको प्रस्तावना दिया, हमको टाइम दिया कि इसको जल्दी से जल्दी मसला हल करिए, नहीं तो हम लोग कैसे तारों पे यहाँ पहुंचेंगे, और हालात कुछ भी हो हम तैयार हैं।
किसी भी कीमत देने को तैयार है, कोई भी कीमत देने को तैयार है। हमको पानी चाहिए और फिल्टर पानी चाहिए, निर्मल पानी चाहिए। शुक्रिया भाई।